भारतीय टीम के कप्तान और दिग्गज खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आजकल छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है, जिसमें भारत ने विराट की कप्तानी में 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैचों और आगामी T20 सीरीज के लिए विराट कोहली को आराम दिया गया है। विराट कोहली की जगह भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। आखिरी के 2 वनडे मैचों और आगामी T20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे। विराट कोहली इन दिनों अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। विराट कोहली ने अपनी वेकेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उनमें से एक तस्वीर की बात आज हम कर रहे हैं। हाल ही में विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है और पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विराट कोहली ने काले रंग के कपड़े पहने हैं और अनुष्का भी काले और सफ़ेद कपड़ों में नजर आ रही हैं। ये दोनों किसी नदी के पास खड़े हैं और तस्वीर के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने भी विराट के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों सेम जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अनुष्का शर्मा ने कैप्शन में दिया है, उन्होंने लिखा है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर और साथ में एक हार्ट वाली इमोजी भी है। न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने 71 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट सीरीज में हराया है। टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम ने हराया था। कप्तान विराट कोहली को BCCI ने आगे के व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए आराम दे दिया है और अब विराट कोहली भारत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये तस्वीरें कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।